अभी हम यहाँ पर हैं विमेन टेक्निकल इंस्टीट्यूट की डीजे डांस स्टाइल वर्कशॉप में। एक शायद और स्कूल में नवयुग के डीजे स्टाइल की बॉलीवुड डांसिंग की वर्कशॉप हो रही थी, शायद नवयुग स्कूल सोनीनगर में, वहाँ पे मैं था, वहाँ पे मैंने एक्सपर्ट से बात करी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टैलेंट तो सिर्फ एक बहाना है, डांस तो एक बहाना है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि एक मंथ की छुट्टियाँ हैं तो बच्चे क्या करते हैं, अपना टाइम को यूटिलाइज करते हैं, पेरेंट्स भी जाते हैं, जाओ कुछ नया सीखो और अपनी डेवलपमेंट को और ज़्यादा बढ़ाओ। कुछ बच्चों से चलिए आपकी बात करवाते हैं, मेरे साथ बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? तमन्ना। ओके, कौन से स्कूल के हो? रेड स्कूल। ओके, रेड स्कूल नाम? एनपी कोएड। ओके, तो यहाँ पे आपने अभी तक डांस में क्या क्या सीखा है, कौन कौन से गानों पे आपने डांस करा है? मोरनी बनके नंबर गिननी और बदमाशियाँ। ओके, बेसिक रे। आपने? हम नहीं सुधरेंगे, मोरनी बनके और नंबर गिननी। ओके, यहाँ पर कितने ऐसे बच्चे हैं जो एनडीएमसी स्कूल स्टूडेंट्स नहीं है, रेज योर हैंड। ओके, जो एनडीएमसी स्कूल से नहीं है, नॉट इवन एनपी कोएड। ओके, सो कौन कौन से स्कूल से हो आप? होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल। ओके, आप? एसकेवी नंबर 1। आप? नेवी चिल्ड्रन स्कूल। नेवी चिल्ड्रन स्कूल, नेवी चिल्ड्रन चाणक्यपुरी। यस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर वर्कशॉप में हमने ये दिखाया है कि नॉन एनडीएमसी स्टूडेंट्स भी बढ़ चढ़ के समर वर्कशॉप में इनिशिएटिव ले रहे हैं। और एनडीएमसी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 100 रुपीज में बहुत ही अफोर्डेबल फीस थी और नॉन एनडीएमसी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए 250 रुपीज फीस थी, जो कि एनडीएमसी ने एक बहुत ही अफोर्डेबल इनिशिएटिव निकाला है। हर बच्चा बहुत ही कम अमाउंट ऑफ फीस पे करके अपने टैलेंट को सीख सकता है विद इन अ मंथ, और विद इन अ मंथ यहाँ क्या एंजॉय कर सकता है, कोलैबोरेट कर सकता है, नए नए दोस्त बना सकता है। अब इससे ज्यादा बच्चे के लिए अच्छी बात क्या हो सकती है? थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डीप में और लेके चलते हैं। क्या नाम है बच्चे आपका? Okay, कौन से स्कूल में हो? रामजस। रामजस में हो आप। सो क्या क्या सीखा आपने डांस में यहाँ पे, कौन कौन से गानों पे सीखा? जीती हैं हम। हाँ? लंबरगिनी और मोरनी पे। ओके, तो आपको डांस करना पसंद है? हाँ। तो कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे डांस करना पसंद है, से यस और नो? yes! सबको पसंद है? yes! क्या सबको पसंद है? yes! आपके एक्सपर्ट्स आप पे इतना मेहनत कर रहे हैं तो अपने एक्सपर्ट्स के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए तेजी से, थोड़ा तेज तेज तेज। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, बच्चों का जोश आप खुद देख सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने अच्छा काम किया है तभी क्लैपिंग डिजर्व कर रहे हैं, वरना कोई क्लैप नहीं करता। जो भी है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। क्या नाम है आपका? पूनम। कौन से स्कूल के हो? एसकेवी नंबर 1। एसकेवी नंबर 1, यहां पे डीजे वर्कशॉप हो रही है, इसके बारे में पता कैसे चला? दीदी आई थी पूछने के लिए। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जहाँ डांस हो रहा है वहाँ पे आप चले गए? नहीं सर। अच्छा, दीदी आई थी तो उनसे पता चला। हाँ। ओके, तो सब एंजॉय कर रहे हैं? यस सर। कितना? बहुत। कितना? बहुत। आपका नाम? विशाल। विशाल, आप? शिखर आना। सो बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, तो यहाँ पे आप एज अ इंटर्न आए हो? यस। सो व्हाट एल्स व्हाट यू डू? सिर्फ मैं डांसिंग कर रहा हूँ अभी। अभी गुड़गांव में मेरा स्टूडियो है। okay. और वहीं पे मैं अभी वर्कशॉप हमारा भी समर कैंप चल रहा है वहाँ पे। okay. तो सुबह यहाँ पे डांस करते हैं, फिर शाम को वहाँ पे क्लासेस, सुबह शाम टाइम डांस डांस डांस। काश आपकी लाइफ मेरी लाइफ भी आप जैसी होती। Yeah, we both are professionally dancers, so we, yeah. So, I have a question for you, and it's a very serious question. काफ़ी पेरेंट्स कहते हैं अकेडमिक्स पे ध्यान दो, डांसर सब बनो, तो आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया था? बी ऑनेस्ट, क्योंकि बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। डैड सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब पूरी फैमिली कर, मतलब कुछ नहीं कहती थी। सपोर्टेड स्ट्रगलिंग खुद से, हाँ जी। बहुत सारी हार्डशिप्स आए होंगे अपने डांस को सपोर्ट करने के लिए, मनी प्रॉब्लम बहुत कुछ। सो दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस, कि एक डांसर ही समझ सकता है कि वो कितने हार्डशिप से गुजरा है, लोगों की टॉन्टिंग से गुजरा है, तभी आज वो इस चीज़ को अपने प्रोफेशन बना पाया है। बहुत डिफिकल्ट होता है, हर कोई नहीं समझ सकता, समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है। और जो कलाकार है, कलाकार को कलाकार ही समझ सकता है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को समझ सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो जर्नी थी डांस की, आप आए, आपको डांस करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब आपने सोचा कि नहीं मुझे इस चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाना है, एट वॉट टाइम की पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? They were definitely shocked at that time because it was a very sudden, you know, sudden decision for me. Like I was in graduation, so I decided, no, I want to be in dancing. Mm-hmm.
like professionally. So at that time I told them that I want to be a dancer and everything. So they were shocked initially, then slowly when I start used to, you know, I start understanding things about the profession. So uske baad I, you know, are they happy now? Yeah, definitely they are satisfied. They are like, अभी देखो हम लोग यहाँ पर सिखा रहे हैं, सो इट्स लाइक कि दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, दे आर प्राउड कि यस जो हमने सोचा है उसमें हम लोग आगे आए हैं. जो बर्डिंग डांसर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं जस्ट लाइक यू, वो आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे थ्रू, अगर हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि लोग टॉन्ट करते हैं, डोंट गो फॉर दिस, आपके पेरेंट्स को भी बोलते हैं क्या कर रहा है तेरा बच्चा, कुछ और करवा, बहुत आपने सुने होंगे भी, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी इसी लाइन से हैं तो मैं देखता था कि उनको कैसे टॉन्ट बैठती थी. कहीं ना कहीं पेरेंट्स अगर एग्री हो भी जाएं तो रिलेटिव्स और बाहर की दुनिया के उनके माइंड को ब्रेन वॉश करती थी कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, ये दस्तूर है. ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे स्टूडेंट्स को आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ इंस्पिरेशन मैसेज की अगर मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द विल पावर, योर विल पावर. अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो तो आपको दुनिया को कोई पावर नहीं है, कोई सोसाइटी प्रेशर नहीं है जो आपको रोक सकता है. इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट सो यू विल डेफिनेटली वांट टू डू इट. यही बात बहुत ज़्यादा, विल पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर किसी इंसान के पास विल पावर है तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है. बहुत ही बखूबी इस चीज़ का आंसर करा. एक मैसेज उन लड़कों के लिए जो डांस को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, डांस सिर्फ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यही करते हैं जैसा आपकी तरह सुबह से लेकर डांस करना चाहते हैं बट वहीं पर घेर लेते हैं ना स्ट्रगल से कैसे बाहर निकले? स्ट्रगल से बाहर मतलब क्या होता है कि जब बंदा डांस कर रहा होता है तो उसको खुद से ना अपना सब कुछ निकालना चाहिए बाहर, मतलब जो भी है सब कुछ करे, मतलब उसको ना अपनी स्टडी को अलग रखे, डांस अलग रखे, जो उसको जो कुछ करना है ना सब करना चाहिए. मतलब पेरेंट्स को मतलब उन्हें दुख नहीं देना चाहिए कि कुछ गलत करे अपना लड़का. बस ये है कि सब कुछ अब मैनेज करके चले. अगर पेरेंट्स की खुशी के लिए भी थोड़ा पढ़ना पड़े तो पढ़ लीजिए अपने ड्रीम्स को सपोर्ट करने के लिए. बहुत बखूबी का, वेल सेट, डिजर्व करते हैं. सो मैं अभी डीजे स्टाइल की डांस वर्कशॉप में हूँ, विमेन टेक्निकल इंस्टीट्यूट नेताजी नगर. ये एनडीएमसी की वर्कशॉप हो रही है, बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं. एक्सपर्ट से आपकी बात करवाई, उनके इंस्पायरिंग वर्ड्स आप तक पहुँचाएं तो ताकि आप भी इंस्पायर हो, कैमरे से बाहर निकलो, शूज पहनो और अपने पैर थिरकने पे मजबूर करो, क्योंकि ये जो फुटेज आज जो मैं देख रहा हूँ इनका जोश और जज्बा, डांस देख रहा हूँ, हर कोई थिरकने मजबूर हो जाएगा. सो विमेन टेक्निकल इंस्टीट्यूट नेताजी नगर में हम हैं, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच.